students i hope you are doing well in this video we are going to discuss the second concept of this chapter that is sexual reproduction स्टूडेंट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले आपको एक क्वेश्चन माइंड में लेकर आना है कि अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एक डाइवर्स लेवल पर एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो उनके अंदर हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं uh, उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल अपियरेंसिस के बिहाफ पर इंटरनल स्ट्रक्चर के बिहाफ पर उनकी फ़िजियोलॉजी के बेसिस पर लेकिन अगर जब सेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन की बात आती है तो वो एक कॉमन या सिमिलर पैटर्न ही शेयर करते हैं तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर कौन से कौन से कॉमन फीचर्स होते हैं जिन जो सब में कॉमनली प्रेजेंट है या जो वो शेयर करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स ये बहुत कॉमन पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अपोजिट सेक्स के या आपने अभी तक पढ़ा भी होगा टेंथ क्लास में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे तो उसके अंदर भी यही आपने डिस्कस किया होगा कि मेल एंड फीमेल गैमेट दो इंडिविजुअल्स के इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर और साथ में ही स्टूडेंट्स जो ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग यहाँ प्रोड्यूस होगा बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते एक दूसरे से या उनके पेरेंट्स के साथ उनके साथ कभी भी आइडेंटिकल यानी कि सिमिलैरिटीज़ हंड्रेड सिमिलैरिटीज़ कभी नहीं आएंगी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर और जितने भी सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हमेशा एक सिमिलर पैटर्न रिप्रोडक्शन का फॉलो करेंगे उसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का कि जो मेल और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन होता है और जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा पेरेंट्स से यानी कि सेक्शुअल मॉड ऑफ रिप्रोडक्शन एक ऐसा मॉड है रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर हमेशा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं ये सेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन में सिमिलैरिटी मिलती है क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन सेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स यानी कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ़ इंडिविजुअल्स यहाँ इन्वॉल्व होते हैं ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा जिससे इसीलिए उनके अंदर वेरिएशनस आएंगी और कभी भी वो पेरेंट्स आइडेंटिकल नहीं होंगे और अगर टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस होने के बाद जो ऑफ स्प्रिंग है जो प्रोड्यूस हुए हैं उनके अंदर भी सिमिलैरिटीज नहीं देखने को मिलती अगर स्टूडेंट्स हम बात करें डिफरेंट फेजेज इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जुवेन फेज को जुवेन फेज स्टूडेंट्स एक ऐसा फेज़ है जो बर्थ से लेकर जब तक पर्टिकुलर विजुअल सेक्शुअल मेचोरिटी नहीं अटेन कर लेता इस स्पीच के पीरियड को हम बोलते हैं जुवेन फेज अगर सेम एज इट इज़ हम इसको प्लांट के सेंस में डिस्कस uh, करें तो उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव फेज और तो स्टूडेंट्स जैसे ही जो वेनाइल या वेजिटेटिव फेज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एंड होता है वहीं पर शुरुआत हो जाती है रिप्रोडक्टिव फ़ेज़ की यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक इंडिविजुअल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंडिविजुअली इसका बर्थ टाइम है और ये वो टाइम है जब तक इसे सेक्शुअल मेचोरिटी अटेन नहीं की तो ये जो पीच की ड्यूरेशन रहेगी इसे हम कहेंगे जूवेन आयल फेज। ये स्टूडेंट जैसे ही जूवेन आयल एंड होगा तो वहाँ पर शुरू हो जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव के फेज़ के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे जो आएगा हमारा सैनिसन फेज़ अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव फ़ेज़ की तो स्टूडेंट्स ये ऐसा फ़ेज़ है एक इंडिविजुअल की लाइफ में जहाँ वो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी अटेन कर लेता है कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने में अगर हम बात करें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही फ्लावरिंग शो करेंगे और कुछ फ्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ओल्ड सीजन यानी कि सभी सीजन्स में फ्लावरिंग शो करते हैं जैसे अगर हम बात करें बेम्बू स्पीशीज है फ्लावर्स की तो वो लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग शो करती है और जैसे स्ट्रॉबीलैंथर्स कंथी आना नील कुरंजी का जो फ्लावर है नील कुरंजी का जो प्लांट है उसके जो फ्लावर्स है वो ट्वेल्व ईयर यानी कि बारह साल के अंदर एक बार ही फ्लावरिंग को शो करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव फेज वेरी करता है अगर हम बात करें फीमेल प्लेसेंटल एनिमल्स के अंदर इनके अंदर साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं यानी कि जितने भी फीमेल एनिमल्स हैं जो प्लेसेंटा बियरिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं जो उनकी ओवरीज में और एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर देखने को हमें मिलेंगे आ, मतलब कि अगर ये हम कह सकते हैं कि जो प्लेसेंटल एनिमल्स हैं।, है। हैं।, 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 हैं उनकी ओवरीज की एक्टिविटीज़ में चेंजेस आते हैं साइक्लिक चेंजेस साइक्लिक चेंजेस मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद और रिपीटेशन के साथ वो चेंजेस आ रहे हैं एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं उनके रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो हम साइक्लिक चेंज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टूडेंट्स मैंस्ट्रल साइकिल मेनली देखने को मिलता है मंकी जेब्स एंड ह्यूमन बींग्स में इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है इस साइकिल के अंदर स्टूडेंट्स तीन मेन फेजेज हमारे इंक्लूड होते हैं जिसे हम कहेंगे मैंस्ट्रल फेज प्रोलिफेटिव फेज एंड सिक्रेटरी फीस इन तीनों फेजेज़ को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो हमारा थर्ड चैप्टर आएगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम उसमें ब्रीफली uh, पढ़ेंगे तो उसी के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे मैंस्ट्रल साइकिल को ब्रीफली तीनों फेज़ को हम वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फर्दर इस साइकिल के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करेगा फ्यू डेज़ तक वो फ्लो कर सकता है लाइक बेसिकली अगर हम कहें तो ये फाइव टू सेवन डेज का प्रोसीजर है आ, ये ब्लड फ्लो या टिश्यूज़ किस तरह से फ्लो करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रोकन एंडोमेट्रियम यानी कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो अंदर से ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है और फिर मैंस्ट्रल साइकिल के ड्यूरिंग वो वहाँ से फ्लो करेगी जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है अगर हम आगे बात करें स्टूडेंट्स तो जो फीमेल है कभी भी आ, वो कॉपुलेशन प्रोसेस के अंडर नहीं जा सकती एंड की कॉपुलेशन नहीं करने में कैपेबल होती मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्योंकि कॉप्युलेशन पॉसिबल है जब वहाँ पर एग प्रेजेंट हो फर्टिलाइजेशन के लिए लेकिन एग यहाँ रिलीज़ हो रहा है एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है और फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी जो प्रोसेस से है प्रोसीड करती है इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर कॉप्युलेशन होना पॉसिबल नहीं है मीन्स एक नेचुरल नहीं परमिट है इस चीज़ के लिए और फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं होता अगर हम आगे बात करें सेकेंड साइकिल है उस साइकिल ये मेनली नॉन प्राइमेटिक ऑर्गेनिजम्स या नॉन प्राइमेट्स के अंदर लाइक काउ शीप रैट डियर डॉग टाइगर एट्सेट्रा इन स्पीशीज के अंदर इन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स जैसे मैंसुरल साइकिल हमारा फाइव टू सेवन डेज या फ्यू डेज तक प्रेजेंट होता है लेकिन ये बहुत एक शॉर्ट पीरियड तक ही प्रेजेंट होता है uh, अगर हम बात करें काओ के अंदर तो ये नियर अबाउट ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर आवर्स तक ही प्रेजेंट रहेगा उसके बाद दोबारा से एनोस्ट्रेसिया पैसिव पीरियड में चले जाते हैं स्टूडेंट्स इस साइकिल में ब्लड फ्लो नहीं करता है और जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम होती है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है दोबारा बॉडी के अंदर ही और जो फीमेल है वो परमिट करती है कॉपुलेशन के लिए ओनली ड्यूरिंग उस्ट्रस पीरियड यानी कि जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि मिनस्ट्रल साइकिल में कॉपुलेशन पॉसिबल नहीं है लेकिन उस्रस साइकिल में एक ऐसा साइकिल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उस्ट्र साइकिल में ही कॉपुलेशन पॉसिबल होता है अगर हम बात करें प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही स्टूडेंट्स हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल यानी कि इसमें इस पॉइंट में, इस में ये बताया गया है आपको कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर ही हॉर्मोन्स बैलेंस करके रखते हैं एक फेज़ से दूसरे फेज़ के लाइफ साइकिल को अगर हम कहें कि जो इंट्रैक्शन है हॉर्मोन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में वो भी रेगुलेट करेगी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को सो तो इस तरीके से हमारा उस्ट्रोसाइकिल कंप्लीट हो जाता है इनके अंदर स्टूडेंट्स बेसिक यही कंसेप्ट है एक तो कि ये मंकी जेब्स एंड ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है और ये नॉन प्राइमेट्स के अंदर लाइक काओ शेप रेट एट्सेट्रा इनके अंदर ये नियर अबाउट थ्री फेजेज इस साइकिल के होते हैं और ब्लड भी फ्लो करेगा लेकिन यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है वो रीऑब्जॉर्ब हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं करता ये अप्रोक्स तो फाइव टू तो सेवन डेज तक प्रोसीड करता है ये एक शॉर्टर पीरियड तक ही प्रोसीड करेगा और इसमें कॉपुलेशन पॉसिबल नहीं है या परमिट नहीं होता है लेकिन वस्ट्रोसाइकिल एक ऐसा फेज़ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उस्ट्रोसाइकिल के दौरान ही कॉपुलेशन पीरियड प्रोसीड करेगा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा फ़ेज़ था अभी तक हमने पढ़े रिप्रोडक्टिव फेज़ के बाद आता है हमारा सनिसिन फेज सैनिसेंट फीज जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा ये इंडिविजुअल ये इसके बर्थ टाइम से लेकर यहाँ तक रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी तक फर्स्ट फेज है जिसको हम कहेंगे जोवे नाइन फेज उसके बाद जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इसने अटेन की यहाँ तक और रिप्रोडक्शन कैपेसिटी लूज करने तक इस बीच के फेज को हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट आता है सैनिसेंट फेज सैनिसेंट फेज में क्या होता है ये रिप्रोडक्टिव फेज का एंड है और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ओल्ड एज एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हो जाती है वो रिप्रोड्यूसिंग जो कैपेसिटी है यहाँ पर वो नहीं रहती उस ऑर्गेनिज्म की और ओल्ड एज के बाद ये जो एज है वो अल्टीमेटली लीड करती है डेथ के अंदर यानी कि अब ऑर्गेनिज्म सैनिसेंट फेज के बाद डेथ हो जाएगी उसकी अगर हम आगे बात करें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स की तो मेनली हमारे यहाँ पर तीन इवेंट्स प्रोसीड करेंगे फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टूडेंट्स जैसा कि नाम से ही आप uh, समझ सकते हैं प्री मीन्स बिफोर पोस्ट मिन्स आफ्टर और बीच में फर्टिलाइजेशन यानी कि एक प्रोसेस है एक फेज है एक इवेंट है फर्टिलाइजेशन से पहले और एक इवेंट है फर्टिलाइजेशन के बाद तो स्टूडेंट्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शुअली प्रोडक्शन के इवेंट्स को ब्रीफली यहाँ तक आपने अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना है आई होप आपको अच्छे से सेक्शुअलीप्रोडक्शन के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे अगर आपको इन फेजेस के अंदर जो सेक्शुअल इप्रोडक्शन के फेजेस हैं अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें उसको हम नेक्स्ट वीडियो में या क्वेरी वीडियो में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे थैंक यू ऑल द बेस्ट Yeah. Mm -hmm.